नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर की है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 172 मॉडल पेपर हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना 173 नंबर का मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, परीक्षा की डेट है वो आगे बढ़ चुकी है, जल्द ही दोस्तों फॉर्म भरवाए जाएंगे, दोबारा से नोटिफिकेशन वो आने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयारी है वो सुचारू रूप से जारी रखें। 173 नंबर का मॉडल पेपर है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, देश के टॉप 10 थानों में राजस्थान के कौन से थाने को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, देश के टॉप 10 थानों में राजस्थान के कौन से थाने को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, लाखेरी बूंदी। ठीक है, बूंदी वाला जो लाखेरी के अंदर जो थाना है उसको शामिल किया गया है दोस्तों, देश के टॉप थानों के अंदर, टॉप 10 थानों के अंदर। और जो दोस्तों देश के जो टॉप 10 थानों में जो पहले नंबर पर है वो है बीकानेर का कालू थाना, याद रखना, यही प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया था। ठीक है, नंबर 1 पे है बीकानेर का कालू थाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाखेरी बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो, 15वीं विधानसभा में राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों, कल्याण सिंह ने प्रोटेम स्पीकर है वो किसे नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया को। दोस्तों, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष नेता है ये विधानसभा में, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत में कैबिनेट मिशन के लिए, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो किस लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में भारत को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने $25 करोड़ का फंड दिया है? तो दोस्तों, किसने दिया है $25 करोड़ का फंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में, इसमें देखो, किस राज्य की सरकार ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए विभिन्न विभागों में 2% रोजगार आरक्षित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है झारखंड ने की है दोस्तों ये। ठीक है, किसने की है? झारखंड ने, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, झारखंड राज्य में या झारखंड राज्य के प्रथम मेगा फूड पार्क का किस जिले में शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों, किस जिले में मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया है झारखंड के अंदर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड की राजधानी रांची में, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। और दोस्तों, राजस्थान में मेगा फूड पार्क है वो कहां पर है? तो वो है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम है वो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रकाश संश्लेषण, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न में देखो, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया है या दर्शाया जाता है? तो दोस्तों, कौन सी बुक में दर्शाया जाता है इनको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बुक में। ठीक है, या रेड डाटा बुक अपन जिसको बोल सकते हैं, तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान मुगल सेना नायक निम्न में से था? तो कौन था मुगल सेना नायक 1857 की क्रांति के अंदर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बख्त खान। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट, 11 नंबर प्रश्न देखो, जैन मुनि भद्रबाहु का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये संबंध है दोस्तों किस संप्रदाय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिगंबर। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है जैन मुनि भद्रबाहु का संबंध। नेक्स्ट, मोगली पुत्र
किस द्वारा कौन सी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? तो दोस्तों मोगली पुत्र द्वारा कौन सी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति का। तृतीय बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तीस, ठीक है। और वो किसके टाइम हुई थी? वो हुई थी अशोक के टाइम में, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न में देखो, भक्तिकालीन संत नरसिंह मेहता का संबंध है, भक्तिकालीन संत है नरसिंह मेहता, तो इनका संबंध है वो दोस्तों कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात से। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीन की ग्रेट वॉल यानी कि महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों सिंह हुआंग ती ने। सिंह हुआंग ती ने चीन की महान दीवार, चीन की जो दीवार है उसका निर्माण करवाया था। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 15 नंबर में प्रश्न में चलते हैं, इसमें देखो 1854 से 56 की क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 1854-56 में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गदर का नेतृत्व है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहिब ने। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखो, स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो स्थल मंडल शब्द है वो किससे संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ से संबंध रखता है। सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो विषुवत रेखा है, तो दोस्तों विषुवत रेखा है ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीच, दोबारा देखो, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली एक काल्पनिक रेखा है वो है विषुवत रेखा। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो ये प्रश्न था ये दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया था अभी हाल ही में, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, तो दोस्तों इसके संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवप्रयाग। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? तो दोस्तों किन्नू राजस्थान में कहाँ पर पैदा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री गंगानगर में। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है स्थानीय भाषा में कहलाती है? तो दोस्तों स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? तो वो सियालू कहलाती है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो 1857 के विद्रोह के समय हुई कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना भेजी गई? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में भेजी गई थी ब्रिटिश सेना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, बेंगू कृषक आंदोलन से संबंधित जिला है, तो कौन सा जिला है? तो वो है दोस्तों बेंगू से संबंधित है भीलवाड़ा, ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन भीलवाड़ा। बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन। आगे चलते हैं तो इसमें देखो, सॉरी दोस्तों इसके अंदर देखना बेंगू किसान आंदोलन है ये चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा इसमें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न में देखो, निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? तो किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेरह ताली नृत्य के अंदर। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार है, तो वो विस्तार है वो दोस्तों कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 8° 47' तथा 60° 9'। डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न में देखो, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है, तो दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रथम स्थान, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई वाला भाग है, तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पश्चिमी रेतीला मैदान, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न में देखो, राज्य के किस भाग में या किस भाग की मिट्टियाँ सर्वाधिक उपजाऊ है, तो किस भाग की मिट्टियाँ हैं वो सर्वाधिक उपजाऊ है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है हाड़ौती के पठार की लावायुक्त मिट्टियाँ, ठीक है, ये सर्वाधिक उपजाऊ है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट, राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध के अंदर, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वैसे उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसमें उपोष्ण नहीं है। नेक्स्ट है, बनास की सहायक नदियों का समूह है, तो दोस्तों यही प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था कि बनास की इनमें से सहायक नदी कौन सी है, ठीक है, तो इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोठारी, खारी और ढूंढ, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बस्लो चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली है, बस्लो चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर शैली, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, 32 नंबर में देखो, धारी संस्कार राजस्थान के किस जिले में प्रचलित है, तो किस जिले में प्रचलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गरासिया जनजाति के अंदर धारी संस्कार प्रचलित है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, गरासिया जनजाति के किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले स्मारक क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हुरे, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न में देखो, नागौर मेला मुख्यतः है, तो दोस्तों नागौर मेला है वो मुख्यतः क्या है, तो ये पशु मेला है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, 35 नंबर प्रश्न में देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो दोस्तों छोटी तीज का त्यौहार है वो किस माह में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावण मास में, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न में देखो, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई, तो किस रियासत ने लगाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड़ रियासत ने लगाई, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, रसाला रंग भरिया बींद व लश्करिया गीत मुख्यतः किस लोक नृत्य में गाए जाते हैं, तो दोस्तों किस लोक नृत्य में गाए जाते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, 38 नंबर प्रश्न, इसमें देखो, कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, तो कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, गरासिया, ठीक है, तो दोस्तों इसकी ट्रिक है कूद लू के वाल, ठीक है, तो इसे याद रखना, वालर नृत्य भी है वो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, कूद नृत्य है ये भी गरासिया जनजाति के द्वारा, ठीक है, आप वो YouTube पे जाके वहाँ पे लिखोगे राजस्थान का लोक नृत्य, तो दोस्तों तीसरा या चौथा वीडियो है वो मिलेगा आपको, 7 मिनट और कुछ सेकंड का वीडियो है जिसमें दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य की संपूर्ण ट्रिक बताई गई है और वो भी शानदार तरीके से, ठीक है, आपको एक बार में याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं, तो राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 हैं, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, सद्दीक खां मांगणियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों इनका संबंध है भपंग से, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, 42 नंबर प्रश्न में देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है, तो वो चित्रशैली कौन सी है, वो है बूंदी जयपुर शैली है, वो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है, तो दोस्तों किस भाषा का ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही प्रश्न था, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये डिंगल भाषा में लिखा गया है, तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर।
44 नंबर प्रश्न में देखो, राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसके अंदर कौन सा, 30 मार्च को। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर, बीकानेर में, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 46 नंबर प्रश्न देखो, मानव व्यापार प्रथा को सर्वप्रथम किस राजस्थानी रियासत ने गैरकानूनी घोषित किया, मानव व्यापार प्रथा को, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है जयपुर रियासत ने, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट, तगड़ी पहनी जाती है तो दोस्तों तगड़ी, तो देखो अपने हरियाणा में गाना सुना होगा छन छन बाजे तेरी तागड़ी, तो दोस्तों तागड़ी है वो कहाँ पर पहनी जाती है, ये कमर में पहनी जाती है, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 48 नंबर प्रश्न है, एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है, तो कौन सा उपयोग में लिया जाता है इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्कियाँ, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मदील एक प्रकार का है, तो क्या है मदील एक प्रकार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पगड़ी है मदील, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट है, 50 नंबर प्रश्न में देखो, खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है वह क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है टोंक और भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, टोंक और भीलवाड़ा के अंदर प्रचलित है खेराड़ी बोली, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, विद्यार्थी एवं आम सभा के श्रोता में कोई अंतर नहीं होता, विद्यार्थी एवं आम सभा के श्रोता में कोई अंतर नहीं होता, ये सही है या गलत है, आप इसे सहमत हो या नहीं हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहमत है, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 52 नंबर प्रश्न में देखो, संप्रेक्षण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए, भाषा बोधगम्य होनी चाहिए, तो दोस्तों निसंदेह है, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, 53 नंबर प्रश्न में देखो, छात्रों में सामाजिक चेतना के लिए, छात्रों में सामाजिक चेतना के लिए समाचार पत्र पढ़ने को प्रेरित करेंगे, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, 54 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, कुप्रथाओं पर व्याख्यान देना सरल है परंतु उनका उन्मूलन करना अत्यधिक कठिन होता है, कुप्रथाओं पर व्याख्यान देना सरल है परंतु उनका उन्मूलन करना अत्यधिक कठिन होता है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदैव, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न में देखो, सहयोगी क्रियाओं के स्वस्थ संचालन द्वारा विद्यार्थियों को वांछनीय मूल्यों की शिक्षा प्रयोगात्मक रूप से प्रदान की जा सकती है, तो दोस्तों ये सही है कि गलत है, क्या है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिल्कुल सही है दोस्तों ये, ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न में देखो, 2, 6, 12, 20, 42, ठीक है, फिर ये यहाँ पे 5 गलत है दोस्तों, 72, ठीक है, अपने को इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा है ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आगे चल, इसमें देखो इसका ऑप्शन देखो, इसमें देखो दोस्तों इसमें क्या है कि 2 और 6, तो इसमें गैप कितने का है, तो इसमें गैप है दोस्तों 4 का, ठीक है, फिर 6 और 12 के अंदर गैप कितने का है, तो 6 का गैप है, ठीक है, फिर 12 और 20 के अंदर गैप कितने का है, 8 का, तो दोस्तों देखो 4, 6, 8, अब आएगा 10, तो 20 में अगर अपन 10 जोड़े तो कितने आ जाएंगे, 30, तो ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, तो इसमें 12, तो 30 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 42 आ जाएंगे, और 42 में दोस्तों अपन 14 जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे, 56, ठीक है, तो यहाँ पे 5 नहीं है 56 है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, 1, 25, 81, तो दोस्तों इसमें देखो 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 1, फिर दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 25, फिर 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 81, तो देखो इसके अंदर गैप कितने कितने का है, तो इसमें 4 का गैप चल रहा है, ठीक है, 5 और 4, 9, अब 9 और 4 कितने होंगे, 13, और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में देखो, ACEGIKMOQ, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना अपने को, इसमें देखो ACE, तो इसमें कौन सा अक्षर बीच में छोड़ रखा है, तो देखो B, ठीक है, एक एक का गैप है,
फिर सी के बाद में डी है, डी को छोड़ रखा है, तो ऐसे ही देखो इसके अंदर। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, सब में एक एक अक्षर का गैप है, ठीक है। तो देखो ई एफ जी, तो क्यों है, तो क्यों के बाद में एक अक्षर आ जाएगा दोस्तों, गायब हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, क्यू आर एस, क्यू, इसमें देखो जी एच आई जे के, ठीक है, फिर एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, एक एक। अब इसमें देखो क्यू आर एस, तो एस अपने एक इसमें है सी नंबर के ऑप्शन में, ठीक है, तो एस टी, टी छोड़ दिया बीच में, यू आ गया, फिर वी छोड़ दिया, फिर डब्ल्यू आ गया, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, यदि x प्लस वाई का तात्पर्य है x पुत्री है y की, x माइनस वाई का तात्पर्य है x भाई है y का, x भाग y का तात्पर्य है x पिता है y का, तथा x इंटू वाई का तात्पर्य है x बहन है y की, तो निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है, वो आई भतीजी है जे की, तो ये बताना है अपने को इसमें। तो दोस्तों आप जे को तो है ना खुद मान लेना, ठीक है, उसके बाद में देखो माइनस का निशान आ रहा है, तो माइनस के निशान में ऐसे देखना कि ये इसका भाई है, ठीक है, जे का भाई ये है, फिर प्लस का निशान आ रहा है तो प्लस में देखना ये पुत्री है किसकी, ये पुत्री है दोस्तों, यानी कि एन की पुत्री है सी। अब इंटू का निशान आ रहा है तो इंटू का निशान में देखना कि एक्स बहन है वाई की, तो ये यहाँ पे क्या जाएगा, बहन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखना जे है वो मैं हूँ, मैं मेरा भाई, मेरा भाई कौन है एन, और एन का बेटा है कौन सी, और सी की बहन कौन है आई, ठीक है, तो मेरी आई क्या लगी, भतीजी लगी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन, ऐसे करना इसको। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न में देखो, यदि एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है, तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या है, ये बताना है अपने को इसमें, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें देखो सीधा सा है कि वह मेरे दादा की पोती, यानी कि मैं खुद हुई और खुद का इकलौता भाई, देखो दोबारा देखो इसको, वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है, ठीक है, यानी कि मेरा इकलौता भाई है, तो बाग में बैठे उस लड़की की माँ से क्या संबंध है, तो दोस्तों उस लड़की की माँ से क्या संबंध है ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माँ की जो अपनी माँ हो जाएगी, माँ का बेटा हो जाएगा दोस्तों वो, ठीक है, और उस लड़की का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है भावुक का संधि विच्छेद कौन सा क्रम है, तो भावुक का संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों इसके अंदर, तो वो हो जाएगा दोस्तों भाव प्लस उक, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 62 नंबर प्रश्न में देखो किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो किस क्रम में सही मेल नहीं है, तो वो है दोस्तों सठ प्लस दर्शन, सट दर्शन यहाँ पे नहीं आएगा, सट दर्शन आएगा इसमें, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो है दोस्तों कुरंग, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 64 नंबर प्रश्न में देखो चांद्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सुब्रा, ये है चांद्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है परिजात किसका पर्यायवाची है, तो दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये कल्पवृक्ष का, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर प्रश्न में देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नव युवक सदस्य द्वारा बदला गया है, पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा होगा, तो दोस्तों कितना छोटा होगा ये अपन को इसमें कमेंट में आपको ये प्रश्न का उत्तर बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसको हल करके इसका उत्तर बताना है ताकि सब लोगों को भी पता चल सके, ठीक है, बाद में मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। नेक्स्ट है 20 वस्तुओं का क्रम मूल्य
15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना अपने को, तो देखो कितने का गैप है इन दोनों में, तो 5 का गैप है और विक्रय मूल्य दोस्तों 15, तो ये 15 नीचे आ जाएंगे, इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब 5 से काटा तो 3 और 100 में 3 का भाग दिया तो दोस्तों कितने आ जाएंगे 33, सही 1/3, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन है ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ हुआ, यदि 100 रुपये कम में खरीदा होता तो उसे लाभ प्रतिशत होता। तो दोस्तों अब इसमें ये बताना है कि किसी व्यक्ति ने एक अलमारी को बेचने पर 2576 रुपये में 12% का उसको लाभ हुआ है, यानी कि वो वस्तु खरीदी कितने में थी। तो दोस्तों वो खरीदी थी वस्तु, देखो कुछ नहीं करना अपने को, 2576 अपॉन कितने करने हैं 112 इंटू 100। ठीक है, ये करेंगे तो दोस्तों अपना कितना आ जाएगा 2300 आ जाएगा। अब आगे देखो 100 रुपये में कम में खरीदा होता तो दोस्तों 2300 की जगह अगर 2200 में खरीदा होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ये आप ऐसे निकाल लेना इसको, ठीक है, बाकी आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो एक कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% की हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेचा, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि है उसका, तो दोस्तों 20 का 20% निकालना है अपने को, यानी कि 20 × 20/100। ठीक है, 20 का 20% कितना होता है दोस्तों, वो होता है 4%। ठीक है, तो इसमें 4% की है वो हानि होगी, इसमें दोस्तों ऑप्शन है ये गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं 70 नंबर प्रश्न में, देखो 320 प्रति किग्रा मूल्य वाली दार्जिलिंग चाय को 250 किग्रा वाली मूल्य आसाम चाय के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण को 324 प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो दोस्तों इसका अपने को अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 71 नंबर प्रश्न में देखो, अब इंग्लिश आ गई दोस्तों, द रीजनिंग इन दिस एडिटोरियल इज सो दैट वी कैन नॉट सी हाउ एनीवन कैन बी डिसीव्ड बाय इट। ठीक है, तो अपने को इसमें इसके अंदर क्या आएगा ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है कोनहेरेंट, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो इसमें देखो 72 नंबर प्रश्न है, 72 नंबर प्रश्न के अंदर, तो 72 नंबर क्वेश्चन है, इफ यू आर सीकिंग डैश दैट विल रिसोल्व ऑल योर एलिमेंट्स यू आर अंडरटेकिंग एन इम्पॉसिबल टास्क, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा ए प्रीसीडेंट, इफ यू आर सीकिंग ए प्रीसीडेंट, तो ए नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन 73 देखेंगे, तो 73 है, आपको चार सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको जंबलिंग करनी है, आपको इसको सीक्वेंस में जाना है। तो पी है द मेन कैरेक्टर और क्यू है ए बैंक क्लर्क, आर वाला दिया है हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम लॉन्ग वोयेज एंड एस दिया है हैड टू ग्रीट एन इम्पोर्टेंट कस्टमर। तो आपको ये चार लाइन्स दे गई है जिनमें आपको एक प्रॉपर लाइन बनानी है, तो प्रॉपर लाइन कैसे होगी अपन देखते हैं। तो पहले जैसे हम इसे लेते हैं आर को, आर लेते हैं, तो आर में क्या है हु हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम लॉन्ग वोयेज, क्या बन गया इसमें द मेन कैरेक्टर हु हैड जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम लॉन्ग वोयेज, इसके बाद एस हैड टू ग्रीट एन इम्पोर्टेंट कस्टमर, इसके बाद लेंगे पी द मेन कैरेक्टर ए बैंक क्लर्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब आगे चलते हैं 74th नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो 74th नंबर क्वेश्चन दे रखा है इट इज एन एस्टेब्लिश फैक्ट दैट, अब इसके आगे से हमें स्टार्ट करके पी क्यू आर एस को अरेंज करना है। तो पी क्यू आर एस कैसे अरेंज करेंगे, देखो इट इज एन एस्टेब्लिश फैक्ट दैट, एस हम लेंगे द कोज ऑफ रन इन मैनी फैमिलीज, तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही वाला हम देखेंगे इसमें कौन सा होगा,
इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक बिवेरजेस शुड बी शंड बिकॉज सच नैरोकोटिक हैबिट्स हैव बीन द कॉज ऑफ रन इन फैमिलीज इन मैनी फैमिलीज. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, PRQS. अब देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है. कॉग्निटिविज्म इन द डॉक्ट्रिन दैट द डैश कैन बी इनवोक्ड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इवन बी मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इट्सेल्फ. तो डैश इसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन हेड ऑन कॉग्निटिविज्म इन द इज द डॉक्ट्रिन दैट द हेड कैन बी इन द वोक इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड इवन बी मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इट्सेल्फ. तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट. तो हमारे आराध्या आर्यस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो लाइक एंड शेयर वाला बटन है उसे ज़रूर दबाएं. लाइक करें वीडियो को और शेयर करें. धन्यवाद.